आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट सेंटर पर पहुंच गए हैं। मीटिंग में SCO के सुधार और विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी, सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद समरकंद बैठक से जुड़े डॉक्यूमेंट साइन किए जाएंगे। पीएम मोदी 15 सितंबर की रात को समरकंद पहुंचे थे। मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रहीसी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। शाम को पीएम वापस नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी की पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात पर सस्पेंस बना हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और शाहबाज शरीफ से मिलते हैं तो ये मुलाकात भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अहम होगी। भारत चीन के बीच सीमा विवाद गहराने के बाद मोदी जिनपिंग की ये पहली मुलाकात होगी। वहीं पाकिस्तान में इमरान खान के पद से हटने के बाद मोदी पहली बार शाहबाज शरीफ से मिलेंगे। पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात में दोनों नेता रूस यूक्रेन जंग और फूड सिक्योरिटी जैसे अहम मसलों पर बातचीत करेंगे। रूस की ओर से जारी बयान के मुताबिक स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी, एशिया पैसिफिक रीजन की स्थिति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश सचिव विनय मोहन कुआत्रा ने बताया कि पीएम मोदी पुतिन से सस्ते कच्चे तेल के बिना किसी बाधा के सप्लाई बातचीत कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।